एलिमेंट्स में मिलती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से डिवाइड कर दूं। कौन से पीरियड में बैठी हुई है इस वक्त? हेलो बच्चों, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, अगर बोर्ड में देखोगे तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। विच सिंथेसिस बेटा? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दिस 3 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो बहुत सिंपल भी है, बहुत आराम से करेंगे इस रिएक्शन को, रिएक्शन में कुछ ज्यादा है। देखो इस सिंथेसिस में सबसे पहले आपको लेनी है थैलामाइड। थैलामाइड इज व्हाट? बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O एट ऑर्थो पोजीशन विथ N बॉन्ड H, दैट इज योर थैलामाइड। थैलामाइड क्लियर? ये थैलामाइड आपको याद होगा थैलिक एसिड से प्रिपेयर किया था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये थैलिक एसिड से प्रिपेयर किया था, बराबर है? थैलिक एसिड से इसका प्रिपरेशन कर रखे थे, अगर ना देखा हो तो लिंक में मैंने दे रखा है, उसे देखेंगे पता चल जाएगा आपको कि कैसे हमने थैलामाइड प्रिपेयर किया था थैलिक एसिड से। क्लियर? सो फर्स्ट इट रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड easily dissociate as K plus and OH minus, and there is H plus and nitrogen minus, सबको मालूम है इसकी electronegativity ज्यादा होती है। Now positive goes to negative and negative goes to positive, तो N minus थी बेटा, किसकी तरफ जाना पसंद करेगी? K plus, और यहां पे देखो H positive है, ये negative के पास आएगी, क्या निकाल दिया आपने यहां से? माइनस H2O, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहां से मॉलिक्यूल बाहर निकल गई, सो इट इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड K। देख लो यहां से H निकली, पॉजिटिव रिप्लेस करती है पॉजिटिव को, यहां से निकल गई, क्या हो गया? पोटेशियम थैलामाइड हो गई, यहां पे पोटेशियम अटैच कर दिया, पोटेशियम थैलामाइड हो गई। क्लियर? अब इस रिएजन को मैं यहां ले रहा हूं, देखो यहां से इसके आगे की कहानी यहां पे ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N K, ये प्रिपेयर रखा था आपने। अब इसमें क्या डाल दोगे आप? अल्काइल हैलाइड, एनी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला इज RX, सो RX इजीली डिसोसिएटेड, X हैलोजन होती है, ऑल हैलोजंस हैविंग अ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -1, नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसलिए बेटा ये माइनस हो गई, अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने तो R क्या हो गई? प्लस। अब K क्या है? प्लस है, N क्या है? माइनस। अब ये पॉजिटिव को क्या चाहिए? निगेटिव, तो देखो माइनस KX निकल गई। आ क्या रहा है प्रोडक्ट में? सर यहां से N किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगी? R के साथ। क्यों बेटा? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? समझ में आ रही की बात है? आ जाओ तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे ये आपने बना दी बेंजीन रिंग, जहां पे कहानी चल रही वही देखेंगे, बाकी एज इट इज लिख दो, ज्यादा सोचना नहीं हमको। ये देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, N लगा रखा आपने, यहां से K निकल के X के साथ ही R यहां पे अटैच हो गई, देखो यहां पे अल्काइल थैलामाइड बन गई। क्लियर? अब ये रिएक्शन करेगी एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, सर बार बार यही की बॉन्ड ब्रेक हो रही है, क्या यही की करेंगे? नहीं, स्टेप्स कुछ याद रखने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स आपको माइंड में याद रखने हैं। अब जो बॉन्ड होगी बेटा वो यहां से ब्रेक होगी, तो यहां पे देखो इजिली यहां पे N बॉन्ड C है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? 3.0, कार्बन की कितनी होती है बेटा? 2.5। यही कहानी सेम इसके साथ भी होगी, देख लो आराम से। अब इसकी टेंडेंसी होती है टू पुल द व्हाट? इलेक्ट्रॉन,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया सो दिस विल गेट माइनस, ए नाइट्रोजन को क्या मिलेगा माइनस, इस कार्बन को क्या मिलेगा प्लस, यहां भी है वो सेम कहानी, इसको मिलेगा प्लस, इसको मिलेगा सॉरी इसको मिलेगा माइनस और इसको मिलेगा प्लस। अब नाइट्रोजन के ऊपर आप ध्यान से देखो तो कितने निगेटिव दिख रही है, हाँ बिल्कुल सही सही सोच रहे हो, दो ही दिख रही है इसके ऊपर जो फॉर्म हुई है। अब यहां पे देखो तो ये भी दो मॉलिक्यूल ले लो तो क्या होगा एच टू टाइम्स अब दिखाई देगा आपको, दैट इज एच प्लस एंड ओ एन ए माइनस, एच प्लस एंड ओ एन ए माइनस, क्लियर। अब यहां पे देखो आर के पास दो माइनस है तो उससे कौन अटैच होना पसंद करेगा, पॉजिटिव, सो इट इज गोइंग टू बी आर बॉन्ड। एन के पास दो माइनस थी, देखो दो माइनस से दो एच प्लस किया आपने अटैच, तो क्या मैं इसको कंडेंस फॉर्मूला यूज करके लिख सकता हूं, आर बॉन्ड एन एच टू मिल गई, क्या है ये प्राइमरी, आर इज अल्काइल, दिस इज अमाइन विथ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या आई है यानी तो दिख रहा है बिल्कुल एकदम क्लियर, देखो छोटा सा लिख देता हूं बाय प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव बेटा इसको कौन अटैच हो जाएगी निगेटिव, तो ये आपका सॉल्ट बन गया, क्या बन गया सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, कहां से मिली है थैलिक एसिड से मिल रही है, समझ में आ रही बात, तो ये थैलेट हो गया आपका, एस्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गैब्रियल थैलामाइड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, Gabriel thalamide synthesis only applicable for preparation of primary alkyl amine. इससे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है primary alkyl amine. सर क्या secondary और tertiary इससे form हो सकती है, कभी नहीं। सर क्या benzene aromatic ring ये form कर सकता है like aniline, कभी नहीं। क्यों सर? Because there is a reaction about RX. यहाँ पे benzene reaction नहीं करती है, क्लियर, ज्यादा बल्क होने के कारण बेंजीन रिएक्शन ही नहीं करेगी इसके साथ, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इट ऑलवेज गिव्स व्हाट प्राइमरी अल्काइल अमाइन व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्लियर। इतने पार्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको पता ही है हर बार की तरह कमेंट देंगे मुझे, तो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है। चलो बाय, थैंक यू सो मच।